आप लॉस नहीं दिखाते हो? क्या आप लॉस छुपाते हो? क्या आपको लॉस नहीं होता? लॉस के वीडियोस भी दिखाया करो भाई। ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आज मेरा एक लॉस हुआ है और वो मैं डाल रहा हूं। लेकिन एक बात पहली बता दे रहा हूं, इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि यार एक फॉर्मेलिटी कर दी, चार प्रॉफिट डाल के एक लॉस का डाल दिया। मैं प्रॉफिट का वीडियो भी जब डालता हूं तो एक ही चीज बताता हूं, ना मेरा प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ना मेरा लॉस मैं आपसे रिकवर करने के लिए आपसे मांगूंगा पैसा। दोनों केसेस में आपको लर्निंग मिलनी चाहिए, कुछ सीखने मिलना चाहिए। प्राइस एक्शन, इमोशनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, व्हेन नॉट टू ट्रेड, व्हेन टू ट्रेड, एवरी टेक्निकल एस्पेक्ट। बट आज का वीडियो बहुत खतरनाक, बहुत पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इतनी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली पूरा मेरा ट्रेड मैनेजमेंट, मैं कब बाय सेल किया, क्यों, हर चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आज तक कितने भी वीडियोस देखे होंगे आपने ट्रेडिंग रिलेटेड, आई प्रॉमिस यू दिस इज द बेस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो यू विल सी। एंड इफ यू, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट में बताएंगे मेरे को कि एक्चुअली ऐसा लगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड स्टार्ट द वीडियो। बस आपको इतना ही बताऊंगा, बेसिकली कोई वीडियो नहीं है। मैं मेरी टीम के साथ पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूं, कभी कभी लाइक एक महीने में एक या दो बार मीटिंग करता हूं, बातें करता हूं, तो उसी की क्लिप मैं डाल दे रहा हूं आपके लिए, ताकि आप मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए, थैंक यू सो मच फॉर दैट, आप सबको बेनिफिट हो फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको कुछ सीखने मिले। ठीक है, तो चलो मैं इसको स्टार्ट करता हूं और आपसे आउटरो वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू। वेलकम टू दिस पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्लास एंड टुडेज क्लास इज जस्ट टू रिमाइंड एवरी वन ऑफ कि हाउ टू यू नो गो अहेड फ्रॉम हियर एंड क्या करना चाहिए अभी, क्या करने से आपको डेवलपमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, एवरीथिंग वी आर हियर। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस एनी स्पेसिफिक स्टॉक। कोई एक स्टॉक देखने के लिए नहीं आए हैं, वो आपको करना है। हम यहाँ पे किसी एग्जैक्ट एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस का मतलब होता है मार्केट के बाद मार्केट में क्या हुआ, और बेसिकली जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैंने क्या किया। ठीक है, ओके, तो फॉर दैट वी आर गोइंग अहेड टुडे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा आज की मेरी पोजीशन। ठीक है, ओके, दिख रहा है आप लोगों को? इज इट विजिबल? दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है? आवाज आ रही? लाइक आवाज आ रही? क्लियरली आ रही? लैग हो रहा है क्या? देखो, हम सबको, पहले मैं आप लोगों को ये पूछूंगा कि हम सबने रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास अटेंड की है, तो रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करें ना करें, हम लोगों को एक कैलकुलेशन मालूम है ना, 1:2 या फिर रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए, रिस्क छोटा होना चाहिए, या ये डायलॉग याद है कि कट योर लूजर्स फास्ट एंड होल्ड योर विनर्स। रिमेंबर एवरीवन, ये याद है ना, कि अगर लॉस होता है तो 5,000 का हो और प्रॉफिट होता तो 10,000 का। ऐसा नहीं कि लॉस 10,000 का, प्रॉफिट 5,000 का। तो ये प्रॉब्लम सबकी रहती इनिशियल टाइम पे। बट आप मेरे को देखो, आपके सामने मैं लॉस शेयर कर रहा हूं, मैं सबके साथ लॉस, जब भी लॉस होता है आपको बुरा लगता है, शेम फील होता है, होता है ना शेम फील थोड़ा सा कि यार लॉस हो गया, बुरा लगता है, नेगेटिव लगता है, खराब लगता है, यस और नो, चाहे कुछ भी हो। और यही प्रॉब्लम है सारे ट्रेडर्स की कि वो डिप्रेस हो जाते हैं। एंड मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, हाउ डू आई कन्वर्ट दिस इनटू माय प्रॉफिट? सो यू नीड टू लुक एट दैट अमाउंट। मेरे विन के साइज क्या होते हैं? 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 21 लाख, ऐसे होते हैं। और जब इक्विटी वगैरह करो तो 66,000, अभी रिसेंटली 66,000 कमाया था मैंने। जब भी मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूं तो 1 लाख, 2 लाख। तो मेरा रिस्क कितना होना चाहिए, मतलब मेरे को कितना हुआ तो मेरे को क्विट कर देना चाहिए ट्रेड। देखो लॉस का साइज क्या है, 1,65,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी चलेगा, बट 4 लाख गलत हो जाएगा, 5 लाख विल मेक मी डिप्रेस, 6 लाख नहीं होना चाहिए, 8 लाख कभी नहीं होना चाहिए। सो अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लॉस कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोग? ठीक है, क्यों कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि ये बटन दबाना है ना, ये उंगली आपकी है, आप क्लिक कर सकते हो, बट आप क्लिक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि साइकोलॉजिकली फिट नहीं हो आप लोग एज अ ट्रेडर। As a trader, we have to accept this. We have to accept this as cost of our trading, like electricity bill, like rent, whatever you want to say. We have to accept this as our expense. If you don't accept it, you cannot trade. You cannot make real money from the market. I made too much. 15 दिन में मैंने बहुत बड़ा कैपिटल बना लिया है। मतलब मैंने बहुत बड़ा कैपिटल, मतलब बहुत बड़ा, मैंने अपना इतने प्रॉफिट्स किए, आज जाके लॉस हुआ है। तो बुरा लगता थोड़ा सा लगा, लेकिन तुरंत अभी मैं उसको कन्वर्ट उतना नहीं लगा जितना पहले लगता था, और तुरंत अब मैं इस लॉस को कन्वर्ट कर रहा हूं मेरे प्रॉफिट में। और वो कैसे कर रहा हूं? बस बाय कनेक्टिंग प्लेजर विथ स्मॉल लॉस। एम आई राइट गाइस? ये स्मॉल लॉस है कि बिग लॉस है? ये एक स्मॉल लॉस है। एंड क्या बोला है हम लोगों ने? हम अपना पोर्टफोलियो कैसा बना सकते हैं, हमारा पोर्टफोलियो में क्या क्या ओके है। साइकोलॉजी क्लास में हमने क्या पढ़ा है? व्हाट थिंग्स आर ओके, टेल मी। स्मॉल प्रॉफिट, एंड बिग प्रॉफिट आर गुड। स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग प्रॉफिट आर गुड। एंड व्हाट अबाउट ब्रेक इवन एंड स्मॉल लॉस? ब्रेक इवन एंड स्मॉल लॉस आर ऑल्सो गुड, दे आर ऑल्सो गुड। ओनली बिग लॉस is not good. So this is a very important thing that I want to tell you, that big loss should never happen to you. You have to make sure you cut it when it's small. अब वो क्यों बढ़ता है मैं बताता हूं आज भी, और अब उससे जरूरी आज के दिन मेरे को लर्निंग के लिए ज्यादा चीजें मिली। आज मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की, जो मिस्टेक ये मैं आज भी प्रॉफिट में होता। इट्स पॉसिबल टू मेक प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इट इज पॉसिबल। मेरा विन रेट बिल्कुल 80% 90% हो गया है आज। मतलब ये भी इसलिए हुआ क्योंकि मेरी गलती थी, मैं वो भी बताऊं। वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक आई डिड, नाउ हाउ टू इंप्रूव दैट। सिंपल मैकेनिकल बनना, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या मिस्टेक थी और मैंने कल भी कैसे ट्रेड किया। कल भी मैंने अच्छा मैं ट्रैवल किया कल के दिन, कल भी मैंने कैसे ट्रेड किया वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? दैट ऑल्सो आई टेल यू, जस्ट 1 मिनट। This was a fake breakout. खैर अपन कल से स्टार्ट करते हैं। Yesterday, कल के दिन मार्केट कैसा, हम सबको मालूम है, काफी बुलिश था, बुलिश हो गया था यूएस मार्केट। तो हमको मालूम था कि मार्केट कैसा ओपन होने वाला है, गैप अप। हमको मालूम था मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है, राइट? तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और जब मार्केट ने क्या किया, ये एक कैंडल बनाई 5 मिनट की पहली, एंड देन मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। और जब मार्केट इस जगह पे आ गया दिन के लो पे, और जब दिन के लो को ब्रेक किया यहां पे, दिस प्लेस, ओके? एंड एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव टू कीप एन आई ऑन निफ्टी आल्सो, ठीक है? कीप एन आई ऑन निफ्टी आल्सो। जब दिन का लो आया, जब या दिन पे लो आया, मैंने मार्केट शॉर्ट किया, ठीक है? मैंने मार्केट शॉर्ट किया था। और यहां पे जब ये कंसोलिडेशन हुआ कितने बजे, 10:55 तक, 10:55 पे क्या कर रहा है, ओके? निफ्टी उस वक्त बुलिश हो गया। सो डू यू सी निफ्टी मोस्टली वर्क्स द सेम। आज ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज छोड़ के हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी के मूवमेंट सेम रहते हैं। यू अग्री विद दिस? व्हाट डू यू सी, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट कैसा मूवमेंट दिख रहा है आप लोगों को इस एरिया में, कैसा मूवमेंट है? इट वॉज बुलिश, इट वेंट बुलिश। विक्स रीडिंग चेंज हो गई, मतलब मार्केट अगर यहां पे गिर रहा है क्या होगा, विक्स उस वक्त प्लस 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 होगा, प्लस जा रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और इस कंसोलिडेशन में विक्स कम होने लग गया, और यहां पे निफ्टी ने एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दे दिया। अब ये एक्सेप्ट करना कि मैं गलत ट्रेड में आ गया हूं, इज इट टफ और नॉट? इट्स टफ, राइट? आप बताओ, इज इट टफ और नॉट टू एक्सेप्ट कि अब ये ट्रेड छोड़ना पड़ेगा, कि अब यार अब ये ट्रेड को तो छोड़ना पड़ेगा, ये ट्रेड को जाने देना पड़ेगा, हम गलत प्रूव हो गए हैं। ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, बट आप आसान नहीं है। फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने एग्जिट किया इस जगह पे, ठीक है? एंड आफ्टर दैट इस रीटेस्ट के बाद मैंने यहां पे बाय किया, ठीक है? ये 11 बजे के आसपास मैंने बाय किया इस रीटेस्ट के आसपास। और आप मानोगे मैं फ्लाइट में बैठ गया, इस कन्विक्शन के साथ कि मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। और मैं करीब 12:15 साढ़े 12 पे अपनी फ्लाइट से बाहर आया, मार्केट यहां पे था। मेरा प्रॉफिट कॉल में 2 लाख प्लस चल रहा था। देखो ये मेरा स्क्रीनशॉट है, आपको दिख रहा होगा। तो मेरा सिर्फ, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया यहाँ पे। अच्छा, अब आप मैं रिसेंटली सीखा हूं एक चीज, अगर आप हमेशा प्रॉफिट लेने की कोशिश करोगे तो आप ओवरऑल पैसे नहीं कमा पाओगे. यू हैव टू लेट द प्रॉफिट्स अवे फॉर द प्रोसेस. तो यहां पे एग्जिट करने का कोई सिग्नल है क्या? कोई सिग्नल है एग्जिट करने का यहां पे? नहीं, एग्जिट सिग्नल लिया, डू यू सी? देयर इज नो. तो मैंने 2 लाख 2.5 लाख प्रॉफिट नहीं ली, लेकिन एक कैंडल बनी इतनी हैवी, ठीक है, कितने बजे? 125 पे. और 125 कहां गया? 125 ये रहा, ये देखो 125 पे निफ्टी भी ऐसा फॉल. इज इट अगेन यू हैव टू एक्सेप्ट मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है. क्या ये एक्सेप्ट करना आसान है कि 2 लाख था, अभी सिर्फ 27,000 है, 30,000 है, 2 लाख का 30,000 है? कैसा लगता है? बुरा लगता है उसमें भी, अग्रीड लगता है ना? अभी 2.5 लाख था, अभी 20,000 हो गया है. ऐसा उम्मीद करते हैं कि नहीं यार थोड़ा सा ऊपर चले जाए, थोड़ा. अच्छा ऐसा है क्या? आई एम सो सॉरी. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. हमने एक ओके. अगर लेकिन वहां पे भी ना, वहां पे क्या था? ओके, यहां पे कितना? 10-25 ना, 10-25 से 10-30 देखना. थैंक यू सो मच फॉर लाइक लेटिंग मी नो प्रिंस. 10-25 ओके. यहां पे मार्केट 10-50 पे, यहां पे कंसोलिडेट करके इस तरीके से इसने भी कंसोलिडेट किया था. एनीवेज, मैं विक्स की रीडिंग देखने के बाद कि विक्स ने चेंज ले आया है और यहां पे मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया है ऊपर. मार्केट का ये गैप क्या बताता है? मार्केट में क्या मोमेंटम है? ये बताओ. ये एक डेटा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि मार्केट में एक बुलिश स्ट्रेंथ है. और मार्केट कैसे मूव करता है? ऊपर जाना है तो कैसे ऊपर जाता है? ऊपर नीचे होके जाता है. तो यूजिंग द फैक्टर दैट ये गैप बहुत बड़ा गैप है और मार्केट में बुलिश मोमेंटम है. जब भी गैप बनता है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन होता है ना कि गैप ऐसे ही बन जाता है. बिकॉज ऑफ सम रीजन गैप इसीलिए बनता है क्योंकि कोई रीजन होता है. तो उस रीजन से कंसोलिडेशन हुआ जब यहां पे, और मैंने देखा कि ये ग्रीन कैंडल बन गई है और मैंने देखा कि विक्स की रीडिंग कम होते जा रही है, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया. अभी बात करते हैं यहाँ पे 130 पे बट अच्छा यहाँ पे निफ्टी देखे ना देखे, एक्चुअली निफ्टी देख ही नहीं पा रहा था इस समय पे. निफ्टी नहीं देख पा रहा था क्योंकि मैं फ्लाइट में था ना, मतलब कार इनोवा में था, उस वक्त नहीं देख पा रहा था उतना ज्यादा. एनीवेज, यहां पे एग्जिट करना चाहिए क्या? कि उम्मीद करना चाहिए कि वापस यहां करेंगे? क्या करना चाहिए? हम बेसिकली क्या करते हैं, यूजुअली क्या करते हैं? आज 8 जनवरी है ना, सही तो है. क्या करते हैं यहां पे हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये ऊपर आए, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया और मेरा 2 लाख का प्रॉफिट मैं 27,000 पे छोड़ा. कितने पे? अब मेरे को बताओ, दोपहर के 1:30 बज गए हैं कैसा फील होता है जब 2 बार आपके साथ ऐसा हो गया हो और सिर्फ 27,000 आपके पास है? पी में नेगेटिव, बताओ ना कैसा लग रहा होगा? पी वाले ट्रेड में एक तो ट्रैवल अलग कर रहा हूं और पीई वाले ट्रेड में भी मेरे को वो कुछ नहीं मिला. मैंने इसको भी शॉर्ट किया था यहां कहीं पे, उस पे भी मैं मतलब लॉस में था शायद, उस पी वाले ट्रेड में. लेकिन उस पी वाले ट्रेड में दोबारा प्रॉफिट कैसे किया? देखो, एक लॉस चल रहा है, एक मेरे को छोड़ना पड़ गया, तो भी फिर मैं इनोवा में बैठा, लैपटॉप चालू किया, सब कुछ किया. और मैं बताऊं, आप लोगों को बताता हूं फिर हाउ टू मेक मनी इन द मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू नीड. ये क्लास उसलिए है. देखो, अब उसके बाद क्या हुआ? जस्ट 1 मिनट. I think we have to, चलो कोई नहीं, हमको सारी ड्राइंग से मूव करनी पड़ेंगी, कर देंगे थोड़ी देर में, कोई नहीं. तो गाइज, अब यहां पे मार्केट क्या बता रहा है आपको? कर देते, कोई नहीं. अब यहां पे मार्केट क्या बता रहा है? यहां पे क्या है? रेजिस्टेंस है, राइट? रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. वहां पे डबल टॉप है. मतलब डबल टॉप क्या होता है? अब और हम लोग को एडवांस लेवल का बंदा बनना है, जरूरत नहीं डबल टॉप डबल बॉटम बोलने की. व्हाट इज देयर, व्हाट इज द, बी मैच्योर, अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली हैपनिंग. स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये फॉल होके जब वापस से ये इस तरीके की टॉप्स बनाता है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, व्हाट इट इज टेलिंग यू? क्या बता रहा है वो? रेजिस्टेंस बता रहा है, रेजिस्टेंस बता रहा है फिर से, है ना, वापस से रेजिस्टेंस और रीटेस्ट भी है बेसिकली वो। और निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज का मेरा गलती यही हुआ मेरे से, नहीं तो मेरा बहुत 2-2.5 लाख का प्रॉफिट होता। पहली गलती, मैं रूल बना चुका हूं अगर मेरे को बाय करना है तो जो स्ट्रांग होगा उसको बाय करूंगा, अगर सेल करना है तो जो वीक होगा उसको सेल करूंगा। तो कल कौन सा वीक था निफ्टी की, बैंक निफ्टी, कल निफ्टी वीक था, राइट। तो मैंने अपनी शॉर्ट एंट्री की, देख यहां पे देख लो, बैंक निफ्टी पे कॉल वाला ट्रेड बैंक निफ्टी का था और पुट वाला ट्रेड निफ्टी का था। तो ये मैंने कल रूल फॉलो किया मेरा, ठीक है। ये रीटेस्ट, यहां पे मैंने शॉर्ट एंट्री ले ली इस कैंडल के, इस कैंडल पे, कौन सी कैंडल पे, इस कैंडल पे, ठीक है। नो, मैंने शॉर्ट एंट्री यहीं ले ली, आई थिंक यहां ले ली, यहां यहीं कहीं ले ली मैंने, इसी कहीं ले ली मैंने, कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। मैंने क्या देखा, मैंने देखा स्टिफ रेजिस्टेंस, वो भी किस वाले स्टॉक में जो कि स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी तो ऑलरेडी वीक है। और इज इट अ रीटेस्ट, डू यू सी दैट इट इज अ रीटेस्ट? ये ट्रेंड लाइन कल भी ड्रॉ की थी मैंने, लेट मी रिमूव दिस ट्रेंड लाइन एंड ड्रॉ, कल कैसे ट्रेंड लाइन बनाई थी। इज इट अ ट्रेंड लाइन ब्रेक, इज इट अ ट्रेंड लाइन ब्रेक गाइस, या है ना ट्रेंड लाइन ब्रेक। और ये क्या है, ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, पुल बैक बोलते हैं। यहीं कहीं मैंने एंट्री ले ली कि वो रिटेस्ट कर चुका है, ठीक है, ओके। नाउ अब आपको पता है क्या हो गया, टाइम क्या होने लग गया। अब मैं बैठा हूं कार में, लैपटॉप में बैटरी भी कम है और मैं कार में बैठा हूं, नेटवर्क कभी भी जा सकता आ सकता है। और मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना बज गया, 11 मतलब कि कितने मिनट हो गए, लगभग 5 into 11, 1 घंटे के आसपास हो गया। 1 घंटे बैठ के देखना। और कल का दिन कैसा था, एक्सपायरी डे था। एक्सपायरी डे के दिन ऑप्शन की वैल्यू कैसी हो जाती है, बहुत वॉलेटाइल, हल्का सा भी ऊपर जाता था बहुत बड़ा झटका आता था। बट फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और वेट करना। कई बार मेरे साथ हुआ है लाइफ में कि मैं बोला नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, आज का दिन साइडवेज निकल जाएगा, एग्जिट कर देता था मैं कि बड़ा लॉस ना हो जाए, डर के मारे मैं एग्जिट कर देता था। और देखता था 3 बजे के बाद बड़ा मूवमेंट आया। और 2 से 3 बार हुआ है कि मैं जो प्लान करके बैठा हूं वो हो रहा है मेरे एग्जिट करने के बाद। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने जो प्लान किया हुआ लेकिन आपके एग्जिट के बाद? तो ये बात क्या है, अब इतने मेनी टाइम्स। सो बिकॉज ऑफ दिस, लिसन नाउ, बिकॉज ऑफ दिस यू हैव एक्सपीरियंस नाउ। हर चीज का जवाब मिल रहा था मुझे कि हां, तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा, आज मैं जब तक कि मेरा जेन्युइन स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, जब तक आई विल पे द प्राइस, 1 लाख 2 लाख दे दूंगा, आई विल पे द प्राइस, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब तक, और गाइस देखो उसके बाद सीधे 3 बजे 1 कैंडल 2 कैंडल एग्जिट ओवर हियर। मैंने इतने में ही, मतलब क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, इतना फास्ट मार्केट मूव किया, मैंने इस फ्लो में एग्जिट कर दिया और बिग प्रॉफिट वी बुक्ड, ठीक है। तो आपको समझ में साइकोलॉजी एग्जैक्टली कैसा वो ट्रेड किया हमने, आया समझ में आपको? व्हाट एग्जैक्टली, व्हाट एंड हाउ आई होल्ड इट, क्या किया मैंने, सिंपल सा। आपको क्या, आप और कैंडल हम लोग एक कैंडल का मूवमेंट नहीं, आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर समझना है मार्केट का। स्टिफ रेजिस्टेंस इट इज देयर, नहीं, और वो भी हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है कि एक बार रेजिस्टेंस मिला, एक बार ब्रेकआउट करके अपने आप को फेक ब्रेकआउट बना लिया, ये फेक ब्रेकआउट है, और उसके बाद ये वापस से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, हाई चांस इट विल गो डाउन, खत्म बात। सिंपल सा एनालिसिस था बैंक निफ्टी में पुट का। इसलिए अब आज के दिन क्या हम लोगों को एक भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 1:30 बजे के पहले? नो अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी। और इफ यू वांट टू टॉक अबाउट निफ्टी तो निफ्टी में मिलती यहां इस ब्रेकआउट पे, यहां मिलती, बट मैं तो ट्रेड नहीं किया, मैं तो अपने काम से बाहर गया था। तो 1:30 बजे के आसपास मैंने ट्रेड लिया। कौन सा ट्रेड लिया? मैंने ये ब्रेकडाउन देखा, और जब ये ब्रेकडाउन देखा तो मैंने इस पे, मेरे को मालूम था कि ये फेक ब्रेकआउट जैसा ब्रेकआउट है, क्योंकि विक्स की रीडिंग नहीं सपोर्ट कर रही थी और कुछ चीजें नहीं मैच कर रही थी, ठीक है। कितने बजे की बात है, 1:30, 1:40, 1:30, हाँ देखो, और उसके तुरंत बाद एक बुलिश मोमेंटम आया, लेकिन जब ये यहां पे कंसोलिडेशन हो गया, जब यहां पे कंसोलिडेशन हो गया यहां पे, और इस कैंडल पे मैंने इसको शॉर्ट किया और इतना मैंने टारगेट लिया और मैं ट्रेड से बाहर आ गया। क्यों इतना छोटा टारगेट लिया? छोटा रिस्क रिवॉर्ड था। मैं घर के कुछ काम से अपने होम टाउन आया हुआ हूं, यहां मुझे काम है, मम्मी पापा के साथ 4 जगह जाना है और मीटिंग कोई आ रहा है, तो मैं जल्दी एग्जिट कर गया, है ना। उसके बाद फिर मैं फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने देखा मार्केट ऊपर चला गया, फिर मैंने कॉल बाय किया, कहां, मोबाइल पे, अपना घर वर कार में। तो मैंने पहला रूल तोड़ दिया, ऐसा बिना सेटअप मोबाइल देख के मैंने ट्रेड किया और मार्केट ऊपर भी गया और फॉल हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैं एग्जिट कर गया, उसके बाद मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी मोबाइल पे। तो मेरी ओवर ट्रेडिंग के कारण, अगर आपको मैं ऑर्डर बुक दिखाऊंगा तो पागल हो जाओगे आप लोग देख के। दिस इज कॉल्ड क्रेजीनेस, दिस इज कॉल्ड क्रेजीनेस, ठीक है। क्रेजीनेस मतलब आदमी पागल हो गया। क्यों पागल हो गया? क्योंकि उसने ओवर ट्रेडिंग चालू कर दी, ट्रेड मतलब। एंड देन आई क्वेश्चन माई सेल्फ, व्हाट द फक आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। आज का दिन 2 गलती हुई। पहली गलती, लॉस देखकर ये निकलने के बाद प्रॉफिट भी चला गया, प्रॉफिट तो हुआ, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, अच्छा वो भी चला गया आखिरी में ओवर ट्रेडिंग करके भाई। तो ये मतलब आई वॉज इन 50,000 प्रॉफिट, सॉरी 80,000 प्रॉफिट, then come 50, then come 0, then comes 50,000, then come 1 lakh loss, then 160 lakh और 329 तक मैं ट्रेड में था। सोचो क्या सोच रहा हूँ मैं 329 पे, क्या सोच रहा हूँ बस क्या क्यों सोच रहा था? क्योंकि we want to recover our losses as soon as possible, कि as soon as possible we need to recover our profits। और ये मैं अंडरस्टैंड किया। मैंने एक ही चीज पूछी, do I have any signal, technical signal to go BTA? There is no signal। उल्टा सेल करने के लिए में भी सिग्नल हो सकता है। बैंक निफ्टी इतना वीक है, वो अगर गैप डाउन भी खुलता है तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे तो अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अपन को। इसने बहुत ज्यादा सपोर्ट है इसको, यहां पे दिख रहा है आपको, एक्सट्रीम सपोर्ट है इसको। ये ब्रेक होता तो शट। लेकिन ऊपर जाने का कुछ दिख रहा है क्या? ऊपर जाने के लिए यू सी एनी सिग्नल टू गो अप? इज देयर एनी बाय सिग्नल हियर? देयर इज नो बाय सिग्नल। स्टिल मैं आखिरी के 5 मिनट सोच रहा था। That is why मैंने तुरंत एग्जिट किया and I say that I am proud of myself, that I am focused on the process. What about this small loss? This is nothing. जो ट्रेडर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि ये छोटा लॉस मेरे को लेना पड़ेगा, वो ट्रेडर नहीं है and he can never make money. So do you agree? Do we understand that we need calmness in the mind whenever you have a loss? You have to accept the loss. Don't be agitated. और हाँ एक चीज और, मैंने तुरंत बोला be unemotional यार। What the fuck? I got emotional. You be unemotional. मैंने बोला be unemotional. जब तक आप unemotional नहीं होगे अपने trading के साथ, इसको मशीन नहीं मानोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। So we have to do this चाहे कुछ भी हो जाए। All right? Do you understand? That is why we have to always accept our loss no matter what. So this is very important कि आप इसको समझो, ठीक है। तो चलो हमने एनालिसिस किया मार्केट का कि आज तो देखो। अच्छा, दूसरी 2 गलतियां मैंने बोली ना। पहली गलती क्या थी? ओवर ट्रेडिंग। दूसरी गलती क्या थी? I break my own rules. What is the rule? If you नहीं ट्रैवल एंड ट्रेड, हाँ that is also a very thing. कल yesterday I was sitting free, इनोवा में ड्राइवर कार चला रहा है, मैं बैठ के ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अभी गाड़ी मम्मी चला रही है, पापा चला रहे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरे को वो देखो, वहां उसको देखो, मतलब यू आर लाइक ट्राइंग टू लाइक वॉचिंग फ्यू। कुछ काम से गए थे फैमिली वर्क पे, तो बात कर रहा हूँ और मोबाइल पे देख रहा हूँ, मोबाइल, लैपटॉप नहीं, मोबाइल। पूरा खत्म फोकस यार, मतलब लालच आ रहा है, बाय कर लूं क्या, सेल कर दूं क्या तो ऐसा हो रहा है। दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम। सो नाउ द थर्ड थिंग, व्हेनेवर यू ब्रेक योर ओन रूल्स यू गेट फक्ड। कौन सा रूल तोड़ा मैंने बता रहा हूं। अगर बाय करना है तो स्ट्रॉन्ग वाले को करना है, और सेल करना है तो क्या करना है, वीक वाले को करना है। अब जब मैंने बाय करा था कॉल, लॉस किसमें सबसे ज्यादा अपन को देखना, एक बार कॉल में हुआ ना, देखो कॉल में हुआ ना अपन को लॉस। ये ट्रेड मेरे को किसका लेना चाहिए था? कॉल वाला, निफ्टी का। हाँ हाँ, देखो एनालिसिस देखने के बाद अगर निफ्टी वाला लिया होता तो क्या होता? अगर निफ्टी का लिया होता तो बिकॉज आई ब्रेक माय ओन रूल, तो ये क्या हुआ आप देख सकते हो, अभी वो 2.5-3 लाख प्रॉफिट होता जो 1.5 लाख लॉस है। तो अगर निफ्टी में ट्रेड लिया होता कॉल का, तो मैं अगर मार्केट क्लोजिंग तक भी लूं तो मैं करीब करीब, जब एक बार शॉर्ट हुआ तो यहां पे, यहां कहीं बाय किया तो भी मैं 50 पॉइंट्स अचीव कर लेता निफ्टी में। हाँ, ट्रैवलिंग एंड ट्रेडिंग इज नॉट गुड, बट यू कैन डू इट इफ यू हैव अ ड्राइवर, गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड एक्सपीरियंस लाइक मी, मिनिमम 3 इयर्स। इफ यू हैव दैट यू डू। और हाँ, आज के बाद तो मैं नहीं करने वाला भाई, अगर मम्मी पापा साथ में, दोस्त यार, भाई बहन और गाड़ी चलाने, ये सब नहीं हो पाएगा। सो आई कैन नॉट, आई विल नॉट डू इट। एंड अच्छा, मैंने क्यों निफ्टी का कॉल नहीं बाय किया, बैंक निफ्टी क्यों किया? वही बेकार सोच। कौन सी यार? निफ्टी तो ऑल टाइम, अगर निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा तो क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाएगा? बनाएगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो मन में क्या है कि यार ऑल टाइम हाई बनाएगा तो रेजिस्टेंस मिलेगा, गिरेगा गिरेगा। तो इस रीजन से ये कैसी सोच है? ये मेरा सेल्फ क्रिएटेड थॉट है, ये मेरा खुद का थॉट है कि नहीं ऑल टाइम हाई तो कितना ही जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा, फिर नीचे आएगा, फिर राइट। तो इसके सर, तो सेल्फ क्रिएटेड थॉट को बोलना है फक ऑफ। यू ओनली हैव टू हैव टेक्निकल सिग्नल्स। टेक्निकली ज्यादा मजबूत कौन सा स्टॉक, कौन सा इंडेक्स है? बैंक निफ्टी की निफ्टी, सिंपल आंसर क्या है? निफ्टी। तो कौन सा कॉल लेना है? निफ्टी। अपना फालतू का सोच कि ए हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, नहीं, ये सारी बता रहा हूं। अब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूं ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग इज अल्टीमेट स्किल है, बहुत मजेदार स्किल है, लेकिन इसमें इतना डीप घुसना पड़ता है, इतना ज्यादा डीप और घुसना पड़ेगा आप लोगों को, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा। तो अल्टीमेट चीज है। अगर मैं सिर्फ ये चीज को, अपना रूल नहीं तोड़ता, सारे रूल तोड़ दिए, सिर्फ निफ्टी का कॉल खरीदता तो मैं प्रॉफिट में होता ना, मैं प्रॉफिट। लेकिन मैंने नहीं किया, तो मेरे को क्या पे करना पड़ा? आई हैड टू पे द प्राइस। दिस इज द प्राइस, दिस इज द प्राइस टू make strong belief in my mind that if I break my rule I will make losses, if I do overtrading I will make losses, if I travel and trade when I'm not watching a laptop I will lose, if I am breaking my own rule ki short jab kal kiya to bank nifty ko call liya lekin short kiya to nifty kiya to same aaj karta, lekin meri khud ki soch ne mere ko barbaad kar diya yahan pe. So do you understand this? So yes, do not be shameful of your losses, be proud of them only and only if they are small. If they are big, then stop trading, stop trading, don't trade and take a break, learn more things, write journals, journal likho, shant raho, market analyze karo, koi paper trading bhi mat karo, paper trading ki bhi zarurat nahi hai, paper trading emotion kharab kar degi aapke, emotion matlab ulta kar degi paper trading, to aap logon ko वो उनको एकदम बिगिनर्स को करना चाहिए पेपर ट्रेडिंग, जो आज तक ट्रेडिंग नहीं किया, लेकिन एक बार ट्रेडिंग कर लेने के बाद पेपर ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी आपको। सो जस्ट डोंट ट्रेड, जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम टू रिलैक्स एंड देन कम अगेन एंड कट योर लॉसेस एज सून एज पॉसिबल। मैं अभी बेवकूफी करता, होल्ड करता, हो सकता है निफ्टी गैप डाउन खुलता, बैंक निफ्टी अभी 1.65 का लाइक 4-5 लाख का हो जाता, और 4-5 लाख का लॉस हो जाता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइंड खराब होता कि अरे यार, फिर गैम्बलिंग वाली आदत होती कि अब मेरे को, अब शायद मैं 50 लाख का ऑप्शन खरीद लेता हूं तो थोड़े से में ही 5 लाख निकल जाएगा, और मान लो 50 लाख का ऑप्शन खरीद के थोड़ा उल्टा चला गया तो लॉस कितना होगा? 10 लाख का, तो टोटल 15 लाख लॉस हो जाएगा। तो ऐसा करके आदमी रोड पे आ जाएगा। तो इसी को रोकना है, जब छोटा हो लॉस तभी कट करना है। दिस इज द बेस्ट थिंग। अंडरस्टैंड एवरीवन? सबको समझ में आ गया कि एक्चुअली साइकोलॉजिकल लॉस इज मोर harmful than the normal loss. So I hope आप सब लोगों को, मैं सिर्फ ये पोस्ट मार्केट में टेक्निकल बताने नहीं आया था, मैं टेक्निकल के साथ साथ माइंडसेट बताने आया था कि कब क्या क्यों होता है। और इतना सब, अच्छा आप लोगों को शायद सब कुछ नहीं, कम समझ में आता होगा, जल्दी जल्दी लगता होगा क्योंकि टाइम कम स्पेंड किया मार्केट में। जब ज्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एवरी मूव। और मैं बता रहा हूं हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद एक ट्रेडर इवॉल्व होता है, बोलने का मतलब है हर 6 से 8 महीने बाद आप लेवल अप हो जाओगे, आप देखना अचानक से एक दिन बेटर हो जाओगे, अचानक से एक दिन। तो वो दिन का वेट मत करो, आप इनपुट डालते जाओ, आप जर्नल लिखते जाओ। ओके, नाउ टू इन ऑर्डर टू एंड द क्लास विद पॉजिटिव नोट, आई विल रिमाइंड यू, आर यू राइटिंग जर्नल्स एवरी डे एंड रिव्यूइंग इट वीकली? वीकली रिव्यू कर रहे हो क्या? कर रहे हो, राइट? कर रहे हो। अगर नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, नहीं कर रहे हो तो आपको मालूम है आप कहां हो। इट इज very important to weekly review your journals. Weekly review करना जरूरी है, weekly, daily भी करना, weekly भी करना। 6 महीने के अंदर कम से कम 10 weekly review होने चाहिए आपके हाथ में। मालूम है जो नहीं करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। Let me be honest with you. You cannot make money from the market. I will ask you one question. Again, let me ask you one question, guys. Why do you come to market? Why do you come to? जिसने पैसा बोला वो तो पैसा नहीं कमा पाएगा। अब पैसा, संतोष, तुम नहीं कमा, कोई नहीं कमा पाएगा, ये लोग नहीं कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्लासेस में, साइकोलॉजी क्लासेस में क्या पढ़ा है? अच्छा, वी कम टू मार्केट ओनली टू टेक नोट्स। अरे भाई, नोट्स लेने के लिए आते हो, नोट टू से, अरे सब किताबी बातें, टू प्रोटेक्ट माय कैपिटल, टू सेफगार्ड, अरे कर पाते हो क्या? तो सिंपल बता रहा हूं आपको, जो मैं लिख के दिया मैंने आपको, यू कम टू मार्केट, क्यों कठिन बनाना? टू बिकम बेटर एंड बेटर, नहीं, सिंपल वर्ड, तीन वर्ड का आंसर है। क्या आंसर है? व्हाई डू यू कम टू मार्केट? जस्ट गिव मी द 3 वर्ड आंसर, टू टेक नोट्स, खत्म बात। जब तक कि 6 वीकली जर्नल्स नहीं बनेंगे तब तक आपने ट्रेडिंग स्टार्ट भी नहीं किया, सोच लेना, याद रखना मेरी बात, आप ट्रेडर नहीं बने हो अभी तक। अच्छा, दूसरा एक कोटेशन हमने साइकोलॉजिकल क्लास में किया था, क्या था उसकी बात करते हैं। अमेच्योर्स कैन नेवर मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। क्या बोला मैंने? अमेच्योर्स कैन नेवर मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, ओनली प्रोफेशनल्स डू। याद है? अमेच्योर्स कैन नेवर मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, ओनली प्रोफेशनल्स डू। आप लोग क्या है इस वक्त, क्या मानते हैं अपने आप को क्या मानते हैं? आर यू प्रोफेशनल राइट नाउ? देखो, अभी खुद बोल रहे हो कि नहीं हम मैच्योर हैं, अपने आप को मैच्योर मान रहे हो, तो क्या मतलब मुझ पे डाउट कर रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, मैच्योर कैन मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। डू यू थिंक मैच्योर कैन मेक मनी फ्रॉम द मार्केट? डू यू थिंक? आई थिंक यू थिंक सो। नहीं, मुझे लगता है आप ऐसा सोचते हो, तभी तो आप लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा, और पैसा कमाते तो खुश हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पे डालने लगते हैं पोस्ट, ये हो गया, आज तो मेरा एनालिसिस काम कर गया, ये सब कर, और जब लॉस होता है तो बेवकूफों की तरह डिमोटिवेट हो जाते हैं और डाउट करते हैं और अपनी बाकी लाइफ भी खराब करते हैं। तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट करो। मैं लिख दूं क्या? जो लोग यहां लिख देता हूं, फिर से लिख देता हूं, छोड़ो कि एमेच्योर्स कैन नेवर मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, मैं लिख के दे रहा हूं आपको दोबारा से, ओनली प्रोफेशनल्स डू। तो क्या करें? दुखी हो जाएं? क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? ओनली प्रोफेशनल्स डू, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? प्रोफेशनल बनना चाहिए। अभी प्रोफेशनल कौन होता है? बताओ, प्रोफेशनल कौन होता है? पहला, जो क्या फॉलो करता है? एक ट्रेडिंग सिस्टम जो खुद को मैनेज करता है। मेरे सोने से उठ के सोते तक मेरे कई शेड्यूल चाहिए, सिस्टम, मूड कैसा है ना, मेरा मेडिटेशन करना है। लाइफ मैनेजमेंट वाला जो क्वाड्रेंट हमने कंप्लीट किया है उसमें भी हमने सीखा है। अब आप में से कई लोग मेडिटेशन का, मैं अनीश ब्लॉग वीडियो पे डाल रहा हूँ वीडियो, उसकी सीरीज चालू कर रहा हूँ, हेल्प चाहिए तो। बट फिर भी जिसको करना होगा अभी से गूगल करके, यूट्यूब करके चालू कर दिया होगा, खुद कोर्सेज खरीद के ऑनलाइन। तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रेडिंग सिस्टम होता है प्रोफेशनल के पास, और एक ट्रेडिंग प्लान होता है ट्रेडिंग प्लान होता है। क्या आप लोग ट्रेडिंग प्लान है आपका? डू यू हैव एसआरपी एसक्यूटी फॉर यू? है ना आपके पास? इट इज द सिंपलेस्ट ट्रेडिंग प्लान इन द वर्ल्ड दैट यू शुड फॉलो। लास्टली, आपको सबसे इंपॉर्टेंट, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल कौन सा? रिस्क मैनेजमेंट का हमने क्या पढ़ा है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट रूल? 2 स्टॉप लॉस अ डे। आर यू फॉलोइंग इट? It's don't feel shameful, don't feel bad over। आज मैं तोड़ दिया रूल, आज मैंने रूल तोड़ा, आज मैंने कितने बार, मैं तो स्टॉप, आज तो मैंने फूलिश एंट्री एग्जिट भी किया है, फुलिश है, मतलब थोड़ा सा मूव और एग्जिट कर दिया। आज आई क्यों किया मैंने, आई बिकेम इमोशनल, सो आज मैंने फॉलो नहीं किया, क्या हुआ मेरा, आज मेरे को लॉस हो गया, आज मेरे को लॉस हो गया इंडिया के इमोशंस हो गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी होता है लॉस थोड़ा सा जमीन पे लाने के लिए। ऑल राइट नाउ, ठीक है, तो हमने अभी भी क्या बात किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फॉलो रिस्क मैनेजमेंट में ये वाला रूल है, फॉलो करना है। ओके ओके, नाउ आई वुड स्टॉप द, अब ये क्लास खत्म होती है और फिर से मैं रिवाइज कराता हूं आप लोगों को, एम्प्लॉय थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू कम मार्केट टू लर्न थिंग्स एंड राइट डाउन द थिंग्स इन योर जर्नल एंड रिव्यू देम एंड स्लोली 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 क्रिएट योर ओन ट्रेडिंग बुक फॉर योर सेल्फ, वो आपके लिए काम करेगी। इसके बाद और क्या करना चाहिए हमको, दूसरी चीज हमको ये करना चाहिए कि अपने रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। उसके लिए रूल बनाओ, तो आप लोग को मैंने दिया है ना कंटेंट, इसमें 10 रूल लिखे हैं, दिया है ना, है आप लोग के प्रिंट आउट निकाला आप लोगों ने कि व्हाई एम आई ट्रेडिंग, डू यू हैव द चेकलिस्ट, वो 10 रूल पढ़ता है कोई, उसको कभी पढ़ते हो लाइव मार्केट में, कभी कभी पढ़ लिया करो, मैं भी पढ़ता हूं, मेरा दिमाग वाओ क्या लिखा हुआ है, क्या कंटेंट है हमारे पास। जो कंटेंट प्रिंट आउट दिया है मैंने आप लोगों को चिपकाने के लिए, पढ़ने के लिए, ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग सिस्टम दिया, आप सबने भर दिया जर्नल, अपना सिस्टम बनाया पूरा, अपने अपने क्लाइंट मैनेजर को दे दिया है, हैव यू सबमिटेड योर असाइनमेंट्स, तो जिसने इसने असाइनमेंट सबमिट किया है, यू करो यार, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, किस चीज का वेट कर रहे हो। जितने लोगों ने असाइनमेंट जमा किया उनको मालूम है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा दैट यू हैव डिड इट, आपने किया, आपने यू हैव डन इट, आपको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आएगा यार ये सारी चीजों में। तो चलो गाइस, आई होप कि दिस क्लास, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी और विच एक्सपायरी डे, देखो भावेश गंगवानी को क्लास से रिमूव कर दो। पहले क्या बोला हमने कि इस क्लास में ये सवाल जवाब वाली क्लास नहीं है, आपको रूल फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा आ गया मेरे को आप पे, या फिर मतलब कि क्या है ना, इस बाकी जो इतने सारे लोग हैं ना इस क्लास में, वो भी स्मार्ट है, वो भी स्पेशल है, तो आपको रिमूव करेंगे पहले भावेश गंगवानी, और आपके सवाल का जवाब भी नहीं देंगे। आपको कोई क्वेश्चन है आप ईमेल करेंगे support@boomingballs.com पे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक छोटा सा रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप एक ना अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, हाँ अभी रिमूव हो गया। अगर आप एक छोटा सा रूल नहीं फॉलो नहीं कर पा रहे हो, क्लास चल रही है और क्लास में रूल फॉलो करने की, देखिए आप ऐसा ऐसा करें, डाउट है तो यहाँ क्लास कॉपी में लिख लें और उसको आपको एफएक्यूज मिलते हैं आजकल, सारे बैच को एफएक्यूज मिलते हैं, उनको नोट्स मिलते हैं, आप लोगों को शायद पुराने लोगों को नहीं मिले होंगे, आजकल सबको बने सारे सवालों का जवाब मिलता है, एफएक्यू नोट्स नहीं है तो भी ईमेल कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी आपको एक्साइटमेंट, पेट में दर्द है तो लॉस ही होना, आपको कुछ नहीं हो सकता। जो बंदा थोड़ा बहुत रूल नहीं मान सकता, फॉलो नहीं कर सकता, वो नहीं कर पाएगा ट्रेडिंग, सिंपल सी बात है। ओके चलो गाइस, जितने लोगों ने अपना ट्रेडिंग सिस्टम नहीं किया है उसको आप लोग सबमिट करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, असाइनमेंट को करो, है ना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, स्टे इन टच विद योर क्लाइंट मैनेजर्स एंड यू कैन ईमेल अस एट support@boomingbulls.com। ठीक है गाइस, चलो बाय। एंड अब तो मैं शायद ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि अब मैं ट्रैवलिंग करूंगा। देयर इज नो ओआई क्लास, देयर इज नो ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट इज नॉट इन द कोर्स। आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन के 2 वीडियो डाले हुए यूट्यूब पे मैंने, उनको देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्लास पे लूंगा इस महीने के एंड में सब लोगों के लिए, जिसमें कि फ्यूचर ऑप्शन कैसे ट्रेड करना है यूजिंग प्राइस एक्शन, दैट आई विल टीच यू। ओआई, ऑप्शन चेन, वोलेटिलिटी, आईवी, ग्रीक्स, बीटा, थीटा, रो, गामा, दिस इज वेरी टेक्निकल, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा और पहली बार समझ भी नहीं पाओगे जब तक कि ये सब नहीं आता। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स, तो आप उसको छोड़ दें, आप अपना खुद से स्टडी करें, ये सब इंप्रूव करें जो आपको बताया गया है। क्या अभी जो एनालिसिस मैंने किया उस एनालिसिस के हिसाब से कुछ भी करने के लिए ओआई देखना पड़ा कि कैंडल देखा, ट्रेंड लाइन देखा, रेजिस्टेंस देखा, क्या देखा मैंने, व्हाट डिड आई सी। अंडरस्टैंड दिस कि यू कैन ट्रेड विथ प्राइस एक्शन, आप प्राइस एक्शन देख के बढ़िया से ट्रेड कर सकते हैं। अभी जब इस पे आपका कमांड आ जाएगा ना, तब निकलिए कि हाँ अब मुझे ओआई सीखना है, अब मुझे ऑप्शन चेन सीखना, लेकिन कब, जब इस पे पूरा कंट्रोल आ जाए। अभी ये नहीं आता तो ऐसा लगता है ये सीख जाऊंगा तो कमा लूंगा, उसको सीख और कंफ्यूज जाओगे और दोनों में लॉस करोगे। सो पहले मास्टर दिस वन स्किल ऑफ प्राइस एक्शन ऑफ ट्रेडिंग, देन मास्टर योर साइकोलॉजी, देन मास्टर योर रिस्क मैनेजमेंट, देन मास्टर योर रूटीन लाइफ मैनेजमेंट, एंड देन लुक फॉर एवरी एनी एडवांस्ड इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, चलो गाइस बाय एंड विल सी यू एडवांस, देयर इज नो एडवांस कोर्स फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, नहीं है मेरे पास। देखो मतलब बनाने को तो बना सकता हूं, हाइकेनाशी पढ़ा दूंगा, कुछ दो चार डॉनकिन चैनल पढ़ा दूंगा, फिबोनाची के दो तीन और तरीके बता दूंगा, कुछ कुछ वो बता दूंगा। हाँ, आई कैन क्रिएट अ कोर्स राइट नाउ, बट इट इज नॉट वर्दी। आई डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम यू इफ इट इज नॉट वर्दी। अगर कोई सिखाए, मतलब बेवकूफ बनाना है तो 3 कोर्स बना देता हूं। हर कंपनी में 4 कोर्स होते हैं, हर कंपनी में 4 कोर्स, जाओ चेक करो, चेक करें आप किसी भी ट्रेनिंग कंपनी में इंडिया के, डिफरेंट डिफरेंट पैकेज। हमारे में कितने पैकेज हैं? चाहे आप एडवांस समझते हो अपने आप को, या बिगिनर समझते हो अपने आप को, या इंटरमीडिएट समझते हो अपने आप को, और तीनों केस में आप वही इंसान हो, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, खत्म बात। कोई एडवांस नहीं होता यहाँ पे। कई लोग का कॉल आता है ना इंस्टाग्राम में, मुझे प्राइस एक्शन मालूम है, मुझे बस ये स्ट्रैटेजी चाहिए। अरे भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम लोग यार। कुछ तुम्हें पूरा सीखना पड़ेगा जीरो से, क्योंकि तुमने क्लास 2 पहले पढ़ी, फिर 5 पढ़ी, फिर 10th पढ़ी, फिर 8th पढ़ी, ऐसे ऐसे पढ़ लिया है। आपको सीक्वेंस में पढ़ना है, 1 2 3 और देन 12th। जॉब नहीं मिलेगी नहीं तो यही होता है ट्रेडर्स के साथ कि वो क्या करते हैं, वो उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं। तो कोई एडवांस नहीं होता, कोई सब एक ही स्किल है कमाने की, और वो जीरो से ऐसे जाना ही है। तो देयर इज नो एडवांस कोर्स फॉर एनी स्टूडेंट। अगर होगा और मैं कुछ ऐसा बना पाया कि जो एक्चुअली वर्दी होगा आपके पे में पैसे का, और मेरे को भी मैं यूज कर पा रहा हूँ, देन आई माइट क्रिएट इट। आई डोंट इवन हैव टाइम राइट नाउ, मेरे को इतना टाइम भी नहीं कि मैं और नए बैचेस खोल पाऊँ। हमारे खुद के बेसिक बैचेस इतने टाइट हैं, मेरा शेड्यूल इतना पैक है, मेरी ट्रेडिंग भी करनी होती, पूरा दिमाग एग्जॉस्ट होता है ट्रेडिंग का, फिर फॉरेक्स चालू करना है। सो देयर इज नो प्लान। मिनिमम 1 ईयर। ओके चलो फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्लास, या तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की क्लास मंथ एंड में करेंगे। यस, कीप एवरीथिंग सिंपल थिंग्स वर्क। ओके बाय गाइस, बाय 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 बाय, वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास, आईफनो क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय। ऑलराइट, तो आपने वीडियो देखा और मुझे लगता है आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि मुझे भी ये मीटिंग करने में बहुत मजा आया और आई वॉज रियली एक्साइटेड कि यार ये इतना अच्छा कंटेंट जब बना है तो क्यों ना मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करूं। तो मैंने किया और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। जैसा आप लोग को भी लगता होगा कई बार लॉस होता है तो अभी क्या अभी रिकवर कर लूं, ये ह्यूमन नेचर है कि अभी रिकवर कर लूं, अभी बीटीएसटी ले लेता हूं, या तो फिर क्वांटिटी बढ़ा देता हूं, या तो ये कर, बहुत बार ऐसा होता है यार। और वही चीजें तो कंट्रोल करनी, हमें शर्म आती है लॉसेस से और हम उसको छुपाते हैं, और फिर हम उसको ऐसा करने लगते हैं कि मैंने कोई पाप कर दिया, जबकि ये पार्ट है गेम का। दिस इज द पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान। सो आई होप लर्निंग की सारी बातें वहां हो गई हैं। मैं ये वीडियो इसलिए आउटरो बना रहा था क्योंकि कुछ कोर्सेज की बात हो गई है मेरे, तो वहां पे आपको लगेगा कि शायद मैं मेरा कोर्स सेल करना चाहता हूं आपको, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो क्लियरली बता रहा हूं, नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आईज टू आई कॉन्टैक्ट मिला के कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, मत करो मेरा कोर्स। अगर आप एक जेन्युइन ट्रेडर हो, ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो अच्छी, आई डोंट आस्क यू, यू जस्ट, बट आई विल गिव यू अ टिप, जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू डोंट नीड माई कोर्स। आई एम टेलिंग यू, नो वरीज यार, करो ना। अब रही बात, अगर आपको करना है तो आप करो, मेरा नहीं किसी का भी करो। मैं आपसे खुले में बात करना चाहता हूं, क्यों अपन ऐसा करते हैं कि जो बंदा कोर्स सेल कर रहा होता है उसको नेगेटिव समझते, क्यों भाई मैंने तो बहुत कोर्सेज किए हैं, लिटरली सब में से सब कुछ नहीं सीखा, कुछ तो सीखने मिला। तो मैं अभी भी तारीफ करता हूं मेरे सारे मेंटोर्स जिन्होंने मेरे को कोर्स दिया, गाली थोड़ा ना बकता हूं आपकी तरह। तो कोई बंदा अगर कुछ कर रहा है तो उस पर टांग अड़ाने वाले बहुत आते हैं। तो एनीवेज, मैं मुंह पे बोल दिया, जिसे करना है करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मत करो ना, अपने हिसाब से सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहां रोक रहा हूं। पहली बात हो गई, ये मेरे को बोलना बहुत जरूरी था कि इसका ये मतलब नहीं कि क्योंकि वीडियोस में ऐसी बातें हो गई तो आप लोगों को करना मत करो, ठीक है। दूसरी बात करनी थी ज्वाइन बटन की, कि यार कई लोगों की ट्रेडिंग मतलब देखता हूं चैनल्स में ऑलरेडी ज्वाइन बटन है, और कई लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि आप मत ले आना भाई अपना ज्वाइन बटन। यार मैं पहली बात कर चुका हूं, एक सक्सेसफुल पर्सन, और कई लोग मेरे को भी बोलते हैं जब ट्रेडिंग से कमाते हो तो ट्रेनिंग क्यों देते हो, और जब ट्रेनिंग से कमाना है तो ये क्यों करना है। तो भाई ये वो बात नहीं होगी कि भाई मेरी इनकम हो गई है महीने की 10 लाख हो गई है, 5 लाख हो गई, तो अब मैं और नहीं कमाना चाहता। हाँ, कैसे जिंदगी में बेसिक्स देखो, ये लोग आप लोग शायद जितने भी ऐसे लोग सोचते हैं, पहले बता दूं बेसिक्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, यू नीड टू हैव नॉट 1 बट मोर देन 1 इनकम सोर्सेस, कम से कम 3-4। जब तक नहीं बनाओगे सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। सो एवरी वेल्दी पर्सन प्लान्स टू मेक मोर सक्सेस। तो इसीलिए क्योंकि मेरी ट्रेडिंग इतनी अच्छी है, इसलिए मेरी ट्रेनिंग उतनी अच्छी है ना। इसलिए ट्रेनिंग अच्छी नहीं क्योंकि मैं ट्रेडिंग आती है करके मेरी ट्रेनिंग इतनी अच्छी चलती है, और ये दोनों आता है करके मेरा यूट्यूब चैनल चलता है। और जब यूट्यूब चैनल चलता है तो मेरे को हर जगह से पैसा आता है, क्यों ना लू। आप नहीं लोगे, आप मुझे अपनी जगह रख के देखो। आप नहीं करोगे, नहीं 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 अब मैंने ऑलरेडी कमा रहा हूं तो अब मुझे नहीं करना चाहिए, अब मुझे पैसा जला देना चाहिए, बांट देना चाहिए। करता हूं भाई डोनेशन, बिल्कुल मैं करता हूं, आई एम फर्म बिलीवर ऑफ गिविंग टू द सोसाइटी, बहुत सारे एनजीओ को सपोर्ट करता हूं, डालता नहीं रहता हर समय हर चीज, मैंने ये किया मैंने वो किया, कभी कभी डाल देता हूं अगर मैं चाहता हूं उस एनजीओ को अटेंशन मिले तो आई डू ऑल ऑफ दैट। सो इट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, माय इंडियन यूथ स्पेशली, इंडिया की 50% पॉपुलेशन है 25 से अंदर है और 65% पॉपुलेशन 65% पॉपुलेशन 35 के अंडर है। सो ऑल योर यंग पीपल, डोंट जंक योर माइंड, प्लीज थिंक पॉजिटिव रिगार्डिंग द वर्ल्ड। आई नो बहुत सारी गलत गलत चीजें भी होती रहती है तो कोई नहीं, लर्न फ्रॉम देम, बट डोंट गो एंड क्रिटिसाइज ऑल द पीपल डूइंग हार्डवर्क आउट देयर, क्योंकि आपको नहीं मालूम है किसने कितनी मेहनत की है। आप देखते हो मेरी ट्रेडिंग वीडियोस में प्रॉफिट, आपको मालूम है कितने लॉसेस झेले मैंने, कितने सेटबैक्स साइकोलॉजिकल, रोया हूं मैं, घूमा हूं, अपने सवालों के जवाब ढूंढे और आज इस लेवल का स्किल हो गया है। आई फील वेरी गुड कि यार अपने लैपटॉप को लेकर के मैं कहीं भी ट्रेड कर सकता हूं और ये लॉस दिखाने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि ये भाई पार्ट है, ये नॉर्मल सी चीज है, आपके साथ भी होती है, सबके साथ होती है। अगर कोई बोलता है उसे लॉस नहीं होता, मैं तो हमारा तो इतना एक्यूरेसी रेट है, और इसीलिए कहता हूं कि हम लोगों को टिप्स वगैरह भी नहीं फॉलो करनी चाहिए, हम लोगों को खुद का सिग्नल क्रिएट करना है, हमको एनालिसिस शेयर करना, मैं करता हूं। हाँ, वो जॉन विटन वाली बात हो गई ना, आएगी भाई, कब आएगी मालूम है? जब मेरे पास कोई सर्विस होगी ऑफर, ना मेरे पास टाइम है आपको देने के लिए अभी, ना सर्विस है देने के लिए, और मैं ऐसा फालतू का ले जॉइन बटन ले 200-500 हजार ले लो लोगों से, वो पैसा कोई फलेगा नहीं मेरे को, क्योंकि जब तक आप कोई वैल्यू नहीं देते हो सामने वाले को, उससे पैसा लो भी मत, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इसलिए जब मेरे को लगेगा कि मैं कुछ इतनी अच्छी सर्विस क्रिएट कर सकता हूं कि मैं कुछ कुछ चीजें शेयर कर सकता हूं, कोई नए फॉरेक्स वाला भी ऐड कर रहा हूं, उसमें भी मैं आपको मदद कर सकता हूं, तो मैं लाऊंगा, और क्यों नहीं लाऊंगा, बिल्कुल लाऊंगा, और जिसे करना है करेगा, और जिसे नहीं करना है भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। तुम्हारे लिए जो मैं फ्री में करता हूं, क्या करता हूं, एनालिसिस बनाता हूं, मार्केट एनालिसिस हर हफ्ते बनाऊंगा, जब भी टाइम मिलेगा, हर हफ्ते, आज तक एक भी मिस नहीं हुआ मेरे से, भगवान करे कभी मिस भी ना हो। अगर मेरा कोई पर्सनल काम आता तो भी, मैं ट्रैवल करूं तो भी ट्राई करूंगा, बनाऊंगा, कल मैं बना के दूंगा आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो, कुछ नहीं बोल रहा हूं। जब ज्वाइन बटन जाएगा तो भी वीकली एनालिसिस डालूंगा, आई एम नॉट